हाय दोस्तों, रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं साली जो निकाली थी ना पहले, उसी साली से बटर तैयार करी, तो भी मैं बताई थी, और उसी से बटर से मैं आज घी तैयार करने जा रही हूँ। तो आपको जानकारी होगा कि बटर और साली, मक्खन जो भी है, घी, वो दही, दूध, ये सब कृष्ण जी को बहुत पसंद था। तो किस लिए पसंद था? तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है ना, इसलिए उनको पसंद था। वो घरों में चुरा चुरा के खाते थे। तो हम लोग तो किसी घर में चुराएंगे तो हम लोग ऊपर डंडा बज जाएगा, पकड़ करके लोग मारने लगेंगे। तो इतना शैतानी करने की जरूरत नहीं है और हम लोग करेंगे भी नहीं। हम लोग खुद ही अपने घर में अपने तरीके से मक्खन भी तैयार कर सकते हैं और साली भी निकाल सकते हैं और घी भी बना करके ताजा ताजा और खा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हम लोग ये जो घी घर में तैयार कर रहे हैं, इतना प्योर घी मार्केट में आपको कोई भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। एक पतंजलि का घी थोड़ा प्योर रहता है, लेकिन उससे भी ये प्योर है, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते में निकाल करके मलाई और तुरंत बना ले रहे हैं। तो इसका गंध भी अच्छा रहेगा और खाने में भी स्वादिष्ट रहेगा। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, गैस जला दी। अब इस पे मैं बटर रख रही हूँ, और ये मोटा बर्तन होना चाहिए बटर गर्म करने के लिए। अब फ्रिज में रखी थी ना तो टाइट है, इसलिए चम्मच से इसको फोड़ रही हूँ। अब गर्म हो रहा है ना तो पिघल रहा है। तो देखिए, इसको लगातार चलाते रहना है। देखिए दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैं साड़ी कैसे निकालते हैं मैं बताई थी, कि मलाई निकाल करके, और साड़ी को ही मलाई बोलते हैं, तो निकाल करके और बटर कैसे रेडी करते हैं। तो उसी बटर से आज मैं घी बना रही हूँ। तो देखिए, घी अच्छा से पिघल गया है और इसको मैं फूल आंच पे पिघला रही हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये जो बर्तन है ना वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये मोटा रहेगा बर्तन तो वो नीचे मक्खन सटेगा नहीं, तो पतला बर्तन रहेगा ना तो नीचे चिपक जाएगा, इसलिए मोटा बर्तन ही मैं गर्म करिएगा। और इसको चलाते रहेंगे। देखिए, मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि वो नीचे छिपके नहीं। जब उबलने लगेगा ना तब मैं स्लो करके और ऐसे ही छोड़ दूंगी। अभी देखिए, ये उबलने लगा। उबलने टाइम में ये दूध की तरह उफनता है, देखिए ऊपर आ रहा है, उफन रहा है, तो ये ऊपर गिर जाएगा बोल करके मैं स्लो कर दूंगी। और स्लो करके फिर चलाते रहेंगे इसको, कुछ देर तक चलाते रहना है, जब तक ये जो फेन आ रहा है ना ऊपर गाज की तरह, ये कम ना हो जाए। कम होने के बाद ही मैं इसको चलाना बंद करूंगी, क्योंकि चलाते रहेंगे तो बाहर गिरेगा नहीं। अगर बड़ा बर्तन है तो ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, और छोटा बर्तन है तो गिर जाएगा, इसलिए चलाते रहना। अभी देखिए, मैं स्लो कर दी, अभी ये नीचे हो रहा है। अब कुछ देर में इसको मैं चलाना बंद कर दूंगी। जो गाज था ऊपर की तरफ आ रहा था, तो वो देखिए नीचे चला गया। अब इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, अब ये आसानी से उबलेगा। अभी थोड़ा देर नहीं भी चलाएंगे, एक एक मिनट रुक कर भी चलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये जलेगा नहीं, क्योंकि नीचे के देखिए, नीचे की परत है उसमें कुछ भी सटा नहीं है। आसानी से देखिए, चम्मच को हिला रही हूँ तो जा रहा है। और एक बात का ध्यान रखिए, कभी कभी जो बटर है उसको निकाल करके 15 दिन तक अगर रख देते हैं हम लोग, तो उसमें से स्मेल आने लगता है। जब आप घी गर्म करेंगे तो उसमें से थोड़ा स्मेल आएगा, तो आप घबराइए नहीं कि स्मेल आ रहा है तो वो खराब हो गया क्या, वो खराब नहीं हुआ है, उसका स्मेल ही वैसे है कि ज्यादा दिन रखने पर आएगा। लेकिन जब उसका घी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, और 15 दिन के अंदर ही घी बना लेना चाहिए। 1 वीक में है तो 1 वीक में बना लीजिए, अगर कम है तो 15 दिन में बना लीजिए। तो देखिए, देखिए नीचे थोड़ा सारी घी जम रहा है। अभी ये देखिए घी छोड़ने लगा, तो घी छोड़ने लगा तो इसको हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी सटने का थोड़ा चांस रहेगा, तो चलाते रहेंगे तो सटेगा नहीं। अब थोड़ी देर में घी रेडी हो जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर 5 से 7 मिनट ही लगा घी रेडी करने में। अभी देखिए इस तरह से हो गया, देखिए आधा घी अलग हो रहा है। जब घी बनने लगेगा ना तो एकदम अच्छा खुशबू आने लगेगी घी में। अभी इसको हम फूल आंच नहीं करेंगे, इसको स्लो में ही बनाएंगे।
और किनारे से इस तरह से छोड़ाते रहेंगे ताकि वो सटे नहीं और उसमें जो घी लगा रहेगा वो वापस अंदर आ जाएगा। अभी देखिए घी रेडी हो गया, देखिए येलो कलर का हो गया है। अब इसको मैं आधा घंटा नॉर्मल जगह पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए, आधा से एक घंटा रख सकते हैं। एकदम से ठंडा हो जाएगा तब इसको छानेंगे। अभी मैं गैस को बंद कर रही हूँ और गैस के ऊपर ही 5 मिनट छोड़ दूंगी और फिर बाद में जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको नॉर्मल जगह पे रख करके 1 घंटा छोड़ दूंगी और फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे छानते हैं। अभी देखिए ये घी एकदम ठंडा हो गया है, अब इसको मैं छानूंगी। ये जो चाय छन्नी है ना जिससे दूध भी फिल्टर करते हैं, चाय भी छानते हैं, उसी से छान देंगे। देखिए कितना प्योर घी है, एकदम पीला कलर है गाय का घी। अभी देखिए जो घी मैं निकाल दी हूँ तो उसके अंदर का जो साली है ये देखिए इस तरह का ब्राउन कलर का निकला हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से फोड़ देंगे और इसमें ये जो गुड़ है उसको मिक्स कर देंगे। मैं गुड़ को देखिए पाउडर बना दी हूँ, अच्छा से फोड़ करके और फिर इसमें इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स हो गया तो थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। अभी देखिए गुड़ मिला करके मैं गैस पर थोड़ा इसको गर्म कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, या आपको रोटी के साथ पसंद नहीं है तो हलवा बनाएंगे जब आटे का तो उस टाइम में डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और घर में बच्चे हैं तो उनको जरूर पसंद आएगा। इस तरह से मिक्स करके और रोटी पराठा या ब्रेड के अंदर भर करके सेक करके खा सकते हैं। अभी देखिए घी रेडी हो गया, ये देखिए पहले से मैं घी बना करके रेडी की हूँ। मैं हर एक वीक में घी बनाती हूँ और ये बना कर रखने से देखिए ये जमने लगता है, देखिए नीचे गाढ़ा हो गया है और ये जो है वो घी का खखोरी है, इसको खखोरी बोलते हैं। तो इसको भी मैं देखिए रेडी कर दी हूँ, ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब इसको इसी तरह चम्मच से खा सकते हैं। अगर आपको खांसी सर्दी हुआ है तो थोड़ा सा अदरक पीस करके और काली मिर्च इसमें अच्छी तरह लगा देंगे और खाएंगे तो खांसी सर्दी में राहत होगा। तो देखिए घी भी रेडी हो गया, खखोरी भी रेडी हो गया। देखिए दोस्तों कितना झटपट घी बन गया और कितना आसानी से। घी बनाने में 5 मिनट समय लगता है, तो एक हफ्ते का बनाएंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा। और अगर ज्यादा है, मान लीजिए कि 2-3 किलो बटर है तो थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन आप जब भी साड़ी घर में निकालते हैं और मक्खन तैयार करते हैं तो 1 वीक या 2 वीक से ज्यादा मत रखिएगा, इतने के अंदर बना लीजिए। क्योंकि जब ये बटर फ्रिज में रखते हैं तो 15 दिन के बाद में थोड़ा स्मेल आने लगता है, तो आप गर्म करेंगे उस टाइम में भी ये स्मेल आएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। वो स्मेल आने के बाद में थोड़ा जब घी बनने लगेगा तो अच्छा स्मेल आने लगेगा। तो इस तरह से आप घी बनाइए और जल्दी ही बना लीजिए, 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर आप बना लीजिए। तो देखिए इसी तरह आप घी रेडी करिए और खाइए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि गाय का घी तो बहुत ही अच्छा होता है। इसको दवाई में भी इसका उपयोग करते हैं, भैंस का घी का तो दवाई में इतना उपयोग नहीं करते हैं। किसी बच्चे को अगर सर्दी जुकाम खांसी हुआ है और सांस फूल रहा है तो ये गाय का अगर ताजा घी आपको मिले या घर में है तो आपके आप उसके चेस्ट में मल देते हैं तो थोड़ा राहत होता है। और 1 चम्मच गर्म करके इसको बच्चे को भी पिला सकते हैं, इससे लीवर बढ़ेगा नहीं और हड्डियां भी मजबूत होगा। तो इसी तरह बनाइए खाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में नए व्यंजन के साथ। बाय।